वट डू यू मीन बाई टैक्स प्लानिंग टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन एक्सप्लेन द एविल कंसिक्वेंसेस ऑफ टैक्स अवॉइडेंस ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉज फॉर टैक्स इवेजन एंड अवॉयडेंस तो गाइज आप स्टार्ट करते हैं आंसर टैक्स प्लानिंग में भी डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट ऑफ ए परसन्स बिजनेस एंड और प्राइवेट अफेयर्स इन ऑर्डर टू मिनिमाइज़ टैक्स लाइबिलिटी कोई भी एक इंडिविजुअल है हम जो टैक्स होते हैं इंडिविजुअल इंडिविजुअल uh, जो है उस रूप में पे करते हैं उसका कोई भी बिजनेस हो सकता है कि उसकी कोई भी इनकम हो सकती है प्रोफेशन हो सकता है तो जो भी उसको जो टैक्स पे करना होता है उसको किस तरीके से कम किया जा सके उसकी जो प्लानिंग होती है उसका जो अरेंजमेंट होता है उसे टैक्स प्लानिंग कहते हैं और ये जो होती है बिल्कुल लीगल होती है और ये जो है मतलब हर आदमी का राइट right है वो ऐसे अरेंजमेंट कर सकता है उसे कम से कम उसे टैक्स देना पड़े तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ये बिल्कुल लीगल है इट इज़ टू बी नोटेड दैट द प्लानिंग ऑफ वंस इनकम एंड एक्सपेंसेस इन सच ए मैनर सो एज़ टू अवेल वेरियस टैक्स डिडक्शंस एंड एग्जम्पन्स इज़ कॉल्ड टैक्स प्लानिंग जब हम टैक्स पे करते हैं अपनी इनकम उसमें शो करते हैं अपने जो भी रिवेन्यूज़ वगैरह हैं पर्टिकुलर uh, uh, जो प्रीवियस ईयर्स के हैं उन सबको शो करते हैं और उसमें से हमें अपनी डिडक्शंस एग्जम्पन्स इस तरीके से उनको यूज़ करना होता है कि जो हमारी जो हमारा टैक्स है वो कम से कम हो जाए इन अवर कंट्री टैक्स पेयर्स कॉमनली मेक यूज़ ऑफ़ सेक्शन एट्टी सी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन तो इनकम टैक्स एक्ट जो है वो नाइनटीन सिक्सटी वन है ये याद रखना है और एट्टी सी से लेके ए टी सी 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 टी सी यू यू इस तरीके से बहुत सारी जो हमारे पास डिडक्शन्स हैं उनका सही तरीके से यूज़ करना होता है इसके अलावा पी पी एफ़ टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट्स एन एस सी प्रोविडेंट फंड म्यूचुअल फ़ंड्स बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जिनमें आप पैसा अपना जो है वो डाल सकते हैं और डिडक्शन्स आपको मिल जाएंगी मीनिंग ऑफ टैक्स अवॉइडेंस अकॉर्डिंग टू जस्टिस रंगनाथ मिश्रा द शॉर्टेस्ट डेफिनेशन ऑफ टैक्स अवॉइडेंस इज द आर्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ टैक्स विदाउट ब्रेकिंग लॉ टैक्स अवॉइडेंस बेसिकली मीन्स मेकिंग यूज ऑफ लूप होल्स इन द टैक्सेशन लॉ टू वंस ओन एडवांटेज टू रिड्यूस द टैक्स बर्डेन इसका मतलब ये है कि जो टैक्स अवॉइडेंस है उसका जो मतलब ये कि जो भी हमारे सिस्टम में खामियां हैं कमियां हैं लूप होल्स हैं उनको अपने फेवर में यूज़ करना जिससे कि हमारा जो टैक्स है उसको हम घटा सकें ऑल द टैक्स अवॉइडेंस इज़ हंड्रेड परसेंट लीगल टैक्स अवॉइडेंस जो है हंड्रेड परसेंट लीगल है इट इज़ नॉट एडवाइजेबल एज द टैक्स पेयर हैज़ डिफीटेड द इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर बट ये एक्चुअली सामाजिक रूप से ये एक बुराई है क्योंकि एक्चुअली में हम एक्चुअली समाज को या फिर गवर्नमेंट को अपने देश को एक तरीके से जो है हम धोखा दे रहे हैं और जानबूझ के सिस्टम के अंदर जो कमियां हैं उनका यूज़ करते हुए अपना जो टैक्स है उसे इंटेंशनली उसे हम कम कर रहे हैं ऑल दो बोथ टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अवॉइडेंस आर लीगल ये दोनों ही जो है लीगल हैं टू रिड्यूस टैक्स देर इज़ ओनली ए थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अवॉइडेंस दोनों के बीच में एक डिफरेंस है वो क्या है कि जो टैक्स टैक्स प्लानिंग है वो बिल्कुल सही है मतलब मॉरल रूप से भी और लीगल रूप से भी टैक्स अवॉइडेंस जो है लीगली तो ठीक है उसमें किसी को कोई भी सज़ा नहीं हो सकती लेकिन मॉरली वो ए टैक्स पेयर इज़ डूइंग व्हाट द गवर्नमेंट वांट्स हिम टू डू वेयर एज इन टैक्स अवॉइडेंस ए टैक्स पेयर इज़ डूइंग समथिंग विच द गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सपेक्ट द टैक्स पेयर टू डू सो

इसमें टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस दोनों में एक डिफरेंस भी ये है कि टैक्स इवेजन में कोई लॉ ब्रेक करता है यानी कि गवर्नमेंट को तुरंत पता चल जाएगा इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को तुरंत पता चल जाएगा कि किसी ने लॉ ब्रेक किया है और और जो है इससे कि उसको उसने अपना टैक्स बचाने के लिए इंटेंशली ऐसा काम किया है तो इसे टैक्स इवेजन कहते हैं वहाँ पर पे जहाँ पे कि लोग इंटेंशली अपना टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो पकड़े नहीं जाते मतलब वो किसी लीगल जो एक्ट वगैरह है उनका उल्लंघन नहीं कर रहे लेकिन वो सिस्टम की खामियों को जो है उसको अपने फेवर में यूज़ कर रहे हैं यानी कई सारे जो सी वगैरह होते हैं अकाउंटेंट वगैरह होते हैं उनकी वो हेल्प लेते हैं और अपना जो है टैक्स वो बचा जाते हैं इट मस्ट बी नोटेड दैट इन इंडिया पीपल यूजली इवेड देयर टैक्सेस बाय डीलिंग इन कैश विदाउट डिस्क्लोजिंग द सेम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी इंडिया में बहुत सारे जो लोग हैं अपना जो काम है वो ब्लैक मनी यानी कैश वगैरह में कर देते हैं और किसी भी तरह की रिसिप्ट वगैरह नहीं लेते अकाउंट वगैरह मेंटेन नहीं करते तो गवर्नमेंट के पास सही जो है वो डेटा जो है पहुंच ही नहीं पाता टैक्स इवेजन इज़ इलीगल टैक्स इवेजन जो है वो इलीगल है क्योंकि उसमें लॉ जो है वो ब्रेक होता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को पता चल जाता है और इंटेंशनली होता है टैक्स अवॉइडेंस भी इंटेंशनली होता है लेकिन ये विद इन द लिमिट्स ऑफ लॉ होता है और ये जानबूझ के होता है लेकिन ये भी जो आ, समाज है और जो इनकम टैक्स जो एक्ट है उसके मतलब जो मूल उसकी जो भावना है उसके जो मॉरलिटी है उसको ब्रेक करता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स प्लानिंग टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन डिस्टिंक्शन बिटवीन टैक्स प्लानिंग टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन इट मे बी डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट वंस फाइनेंशियल अफेयर्स टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ ऑल एलिजिबल टैक्स एग्जाम्शंस यानी जितनी भी एग्जैम्पन्स हैं उसका यूज करना अच्छे तरीके से अपने टैक्स को भरना तो ये मतलब हर तरीके से मॉरली और लीगली भी ठीक है मीनिंग ऑफ टैक्स अवॉइडेंस इट इज रिड्यूसिंग और निगेटिंग टैक्स लाइबिलिटी इन लीगली परमिशिबल मैनर बाय स्ट्रक्चरिंग वंस अफेयर्स मतलब कानून के अंदर जो भी कमियाँ हैं उनका फायदा उठाते हुए टैक्स की जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से अपना आई फाइल करना कि टैक्स को कम से कम दिखाया जा सके द ऑब्जेक्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग इज़ टू रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी बाई अपलिंग बाई अपलाइंग स्क्रिप्ट एंड मॉरल ऑफ लॉ ऑब्जेक्ट ऑफ टैक्स अवॉइडेंस इट्स ऑब्जेक्ट इज़ टू रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी टू द मिनिमम बाय अप्लाइंग द स्क्रिप्ट ऑफ लॉ ओनली स्क्रिप्ट ऑफ लॉ मतलब जो कि कानून है टैक्स पे करने से संबंधित या आई टी से संबंधित या हमारी इनकम एक्सपेंस एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर से संबंधित उनका फ़ायदा उठाना स्क्रिप्ट ऑफ लॉ मतलब जो लॉ के अंदर uh, कानून दिए गए हैं उनके अंदर तोड़ मरोड़ करके अपना टैक्स बचाना बट उसमें लीगली uh, आप पकड़े नहीं जा सकते और टैक्स इवेजन मतलब यहाँ पर आपने टैक्स बचाया भी है और लॉ भी ब्रेक कर दिया है टैक्स uh, हो सकता है आई टी फाइल करते समय आपका टैक्स कम दिखा दे लेकिन आई जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैं वहाँ से आपको नोटिस जरूर आ जाएगा डिमांड जरूर आ जाएगी बेनिफिट ऑफ टैक्स प्लानिंग अराइजेज इन द लॉन्ग रन जो बेनिफिट ऑफ टैक्स प्लानिंग है वो आपको लॉन्ग रन में फायदा देते हैं बेनिफिट ऑफ टैक्स अवॉइडेंस अराइजेज इन शॉर्ट रन मतलब आपको तत्काल यानी इंस्टेंट रूप से आपको फायदा मिलता है लॉन्ग टर्म में नहीं मिलता बेनिफिट ऑफ टैक्स इवेजन इट इज टू बी नोटेड That the benefit of tax evasion generally do not arise, but it causes penalty and prosecution. क्योंकि आपने जो evasion था मतलब जो tax avoidance था उसमें तो आप जो भी कानून का फ़ायदा उठा के आप बच गए उसमें कोई section break नहीं हुआ आपने कानून अपना जो tax है वो बचा लिया उसे reduce कर दिया लेकिन tax evasion में आपने लॉ भी ब्रेक कर दिया और आपका tax भी बच गया लेकिन आपको क्या होगा उसके लिए कंसीक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे आई जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वहाँ से आपको नोटिस और डिमांड पक्का मिलेगा ट्रीटमेंट ऑफ लॉ इन टैक्स प्लानिंग टैक्स प्लानिंग यूज़ द मैक्सिमम ऑफ लॉ इन टैक्स प्लानिंग इट यूज़ ऑल द बेनिफिट्स ऑफ लॉ टैक्स प्लानिंग जब हम करते हैं उसमें जो भी लीगली जो भी सारे प्रोविजन्स हैं आ, हमारी इनकम को ऐड करने के हमारे रिवेन्यूज़ वगैरह को उसमें ऐड करने के अदर इनकम्स कैपिटल गेंस और जो भी हमारी आ, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है और जो हमारे एग्रीकल्चरल इनकम वगैरह जो उसमें ऐड कर सकते हैं हम ऐड करते हैं और जो भी डिडक्शंस हैं हम उसमें से उसे डिडक्शन को माइनस कर देते हैं ताकि इनकम टैक्स को कम से कम किया जा सके और वो भी लीगली एविल कंसिक्वेंस ऑफ टैक्स अवॉइडेंस जस्टिस चिनप्पा रेड्डी इन मैकडोवल एंड कंपनी वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर तो आप इसे याद कर लीजिए जस्टिस चिप्पा रेड्डी इन मैकडोवल एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर लिस्टेड द एविल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टैक्स अवॉइडेंस यानी टैक्स बचाना देर इज सबसेंशियल लॉस ऑफ मच नीडेड पब्लिक रिवेन्यू यानी हमारी जो सोसाइटी है अथॉरिटीज़ हैं उनको एक जो बहुत सारा जो उनको पेमेंट हो सकती थी टैक्स पेमेंट के थ्रू उनको जो मिल सकती थी उसका लॉस हो जाता है सोसाइटी को देर इज सीरियस डिस्टर्बेंस कॉज्ड टू द इकोमी ऑफ द कंट्री बाय पाइलिंग अप ऑफ माउंटेंस ऑफ ब्लैक मनी इस तरीके से तो बहुत सारा जो ब्लैक मनी है वो हमारे सिस्टम में हमारे देश में सोसाइटी में जमा हो जाता है देर इज़ द लार्ज हिडन लॉस टू द कम्युनिटी कम्युनिटी को भी बहुत सारा लॉस होता है देर इज़ देंस ऑफ इनजस्टिस इनक्वेलिटी विच टैक्स अवॉइडेंस अराउज इन द ब्रेस ऑफ दोज हु आर अनविलिंग और अनएबल टू प्रॉफिट बाई इट मतलब अगर जब कोई कुछ लोग जो होते हैं वो टैक्स अवॉइडेंस से कानून का फ़ायदा उठा के कानून की जो कमियों का फ़ायदा उठा के टैक्स बचा लेते हैं तो दूसरे लोगों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है जब वो देखते हैं कि उन्होंने प्रॉफिट वो कमा नहीं पाए लेकिन दूसरे लोगों ने अपना टैक्स बचा लिया तो उन लोगों को भी लगता है कि उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट इज़ द एथिक्स ऑफ ट्रांसफरिंग द बर्डन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी टू द शोल्डर्स ऑफ द गाइडलेस गुड सिटीजन्स फ्राम दोज ऑफ द आर्टफुल डॉजर्स मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा चालाकी करके अपना टैक्स बचा लेते हैं पर अल्टीमेटली जो भी गवर्नमेंट हमारे को प्रोविज़न करती है हमें सुविधाएं वगैरह देती है बहुत सारी चीज़ें जो कि टैक्स कलेक्शन के माध्यम से जो पैसा है गवर्नमेंट के पास जाता है वो बहुत सारे प्रोविजंस में लगता है बहुत सारी चीज़ों को मेंटेनेंस में लगता है सोसाइटी की और कंट्री की वो जो पैसा है आ, कुछ लोगों को भरना पड़ता है और कुछ लोग उसे बचा ले जाते हैं तो अल्टीमेटली उनकी लाइबिलिटी भी सोसाइटी के दूसरे लोगों के ऊपर आ जाती है तो इस तरीके से ये भी एक जो है डिसएडवांटेज है कॉज फॉर टैक्स इवेजन एंड अवॉइडेंस लोग टैक्स अवॉइड अवॉइड क्यों करते हैं और इवेजन लो ब्रेक करके टैक्स कम क्यों भरते हैं टैक्स इवेजन अवॉइडेंस इज ग्लोबल प्रॉब्लम ये ग्लोबल प्रॉब्लम है हाई रेट्स ऑफ टैक्सेशन कई कंट्रियों में जो तो टैक्सेशन रेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं इसलिए लोग उनसे बचना चाहते हैं इन एडिक्वेसी ऑफ पावर्स कई जगह कानून इस तरीके का होता है इस तरीके का लचीला कानून होता है कि सी और कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स वो आसानी से जो है इवन बिना लॉ ब्रेक किए और लॉ को ब्रेक करके भी टैक्स बचाने के तरीके लोगों को बता देते हैं कॉम्प्लिक कॉम्प्लेक्सिटी इन टैक्स लॉज टैक्स लॉज जो होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स भी होते हैं आपने देखा होगा कि जो जनरल पब्लिक है वो कई बार अपना जो इनकम टैक्स है वो खुद भर ही नहीं पाते उन्हें पता ही नहीं चलता कैसे भरना है या फिर वो दूसरे अकाउंटेंट्स वगैरह सीए वगैरह की हेल्प से उसे भर पाते हैं तो इस वजह से भी कई लोग चाहते हैं कि इस तब से जो प्रॉब्लम है इनसे बचने का उपाय यही है कि जो हम अपना जो टैक्स है उसे कम से कम दिखाएँ या अपनी इनकम को कम से कम दिखाएँ और ऐसा करते करते वो टैक्स अवॉइड करने लगते हैं या टैक्स इवेजन कर देते हैं एबसेंस ऑफ डिटरेंस पनिशमेंट मतलब जो लो, लोग ब्रेक करते हैं लॉ को इनकम टैक्स से रिलेटेड जो लोग आए हैं उसे ब्रेक करते हैं या फिर उसे ब्रीच करते हैं या उनकी कमियों का फ़ायदा उठा के अपना जो ब्लैक मनी है वो बढ़ा लेते हैं ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट ने कोई भी मतलब जो पनिशमेंट है हार्ड पनिशमेंट नहीं रखी है इसमें बहुत ही नॉर्मल सी पनिशमेंट या फिर नॉर्मल सा फ़ाइन होता है उसका भी एक लॉन्ग प्रोसीजर होता है और बहुत सारे उसे चांस दिए जाते हैं कि वो जो भी उसने गलत काम किया है जो टैक्स बचाया वगैरह गलत तरीक़ों से उसको पे कर दे लेकिन डिटरेंट पनिशमेंट यानी किसी तरह की कठोर सज़ा रेगरेस एम्प्रेज वगैरह नहीं है इसलिए लोग ज़्यादातर यही सोचते हैं कि चलो यार हम टैक्स थोड़ा बचा लेते हैं या फिर टैक्स को थोड़ा अपनी इनकम कम करके दिखाते हैं जो होगा वो हम आगे देख लेंगे लैक ऑफ पब्लिसिटी गवर्नमेंट इस चीज़ की पब्लिसिटी बहुत कम करती है कि यार अपना टैक्स आप टाइम से भरो सही तरीके से भरो टैक्स अवॉइडेंस मत करो टैक्स जो है इवेजन है वो मत करो तो लोगों में पब्लिसिटी जो लोगों में नॉलेज कम होती है पब्लिसिटी कम होती है अवेयरनेस कम होती है वो यही सोचते हैं कि चलो हमने अपना टैक्स बचा लिया तो हमें कुछ नहीं होगा काफ़ी टाइम तक बिना नोटिस के चल जाएगा मोरल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑल द सिटीजन्स डू नॉट रियलाइज़ देयर ड्यूटीज़ टू स्टेट एंड नेसेसिटी ऑफ पेइंग द करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्सेस एंड पेइंग देम वेल इन टाइम यानी कि लोग लोगों को पता है कि टैक्स हमें पे करना है लेकिन वो अपनी जो ड्यूटी है मोरलिटी है समाज के प्रति और दूसरे फैक्टर्स को जानबूझ के अनदेखा कर देते हैं सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं सेल्फिश हो होकर लैक ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ ऑफिसर्स इट हैज़ ऑल्सो बीन सेट दैट लैक ऑफ़ इंटीग्रिटी इन समीसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट इज पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स इवेजन कई बार ये देखने में आया है कि जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनमें इंटीग्रिटी की कमी है इंटीग्रिटी की कमी मतलब वो अपनी जो सर्विसेज uh, हैं अपनी ड्यूटी है उसके प्रति पूरी तरह निष्ठावान नहीं होते और उनकी हेल्प से भी या उनके अनदेखी की वजह से भी uh, उनकी असतर्कता की वजह से भी लोग टैक्स इवेज, इवेजन करते हैं और वे बच भी जाते हैं डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज पीपल एंड कंपनीज डोनेट पॉलिटिकल पार्टीज इन पावर एंड ट्राई टू इन्फ्लुएंस द टैक्स ऑफिशियल्स थ्रू लीडर्स पॉलिटिकल पार्टीज़ कंसर्न पॉलिटिकल पार्टीज़ को बहुत सारे लोग चंदा वगैरह देते हैं और उनके नेताओं को अपने प्रभाव में ले लेते हैं जिसके थ्रू काफ़ी सारे जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं अथॉरिटीज हैं वो भी ऐसे लोगों पे हाथ डालने में बचती हैं जो टैक्स जो हैं उसको बचाते हैं या टैक्स की जो चोरी करते हैं सस्पीशियस एटीट्यूड ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ केसों में ऐसा देखा गया है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसकी एक्टिविटीज़ भी सस्पीशियस होती हैं जहाँ पे टैक्स इवेजन होता है टैक्स अवॉइडेंस होता है वो उस पर ज़्यादा मतलब कार्रवाई नहीं करती हैं या उन्हें छोड़ देती हैं या फिर कुछ अलग ही केसेज में जो बड़े बड़े केसेज हो उनमें लगे रहती हैं लेकिन जो नॉर्मल लाइफ में जो भी लोग अवॉइड कर रहे हैं टैक्स को या फिर उनसे बच रहे हैं बार बार ऐसे लोगों पर जो है टैक्स अथॉरटीज हैं वो ज़्यादा कार्रवाई नहीं करती हैं या फिर कई लोगों के साथ मिल जाती हैं मतलब जानबूझ के उनको बचाना या फिर उनके जो भी डेटाज़ वग़ैरह हैं उनमें चेंजेस वग़ैरह करना और टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन करने वाले लोगों की हेल्प करना एक तरीके से तो ये सब जो है प्रॉब्लम्स है सोसाइटी के लिए क्योंकि टैक्सेस का उपयोग बहुत सारी चीज़ों में होता है गवर्नमेंट के थ्रू